मैं हूं सिमी बडियाल और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे। जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद अब असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को बनाया इलेक्शन इंचार्ज। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरविंद रैना जी। तो सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बयान दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां उन्होंने शुरू की हैं, जिसका हम वेलकम करते हैं। खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कई बार इस बात को कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए बीजेपी तैयार है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला ले लेगा और जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे। हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी से अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो क्या असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी की सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी? पार्टी अध्यक्ष होने के नाते से मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की तीनों सीटों पर हम चुनाव लड़ते, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ अनंतनाग रजौरी से तो भारतीय जनता पार्टी ने 100% चुनाव जीतना था, लेकिन अंतोगत्वा जो भी पार्टी का निर्णय है उसको हमने पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। रही बात बीजेपी के असेंबली इलेक्शंस लड़ने की, तो बीजेपी जम्मू कश्मीर की 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चूँकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, हम नेशनल पार्टी हैं, तो जो भी हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भी निर्णय करेंगे इलेक्शन के मुतालिक, हम उसको मानेंगे। मेरी तो ये कोशिश है कि हम कश्मीर से भी अपने दम पर इलेक्शन लड़ें और अपने दम पर जीत कर आएँ और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, मिशन 50+। 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी यहाँ सरकार बनाए, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। आने वाले असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी क्या पुराने चेहरों के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर नए युवाओं और महिलाओं को भी मौका देगी? बीजेपी के अंदर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो होती है, केंद्रीय चुनाव समिति, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके साथ बीजेपी की टॉप लीडरशिप होती है, तो फाइनल फैसला वहाँ होता है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है। जो हमारे पुराने लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और पार्टी में नए चेहरे, आपने जिक्र किया महिलाओं का जी, तो यकीनन महिला शक्ति, जो मातृशक्ति 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, उनको प्रतिनिधित्व, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इस समय हम देख रहे हैं कि कोलिशन का दौर चल रहा है, तो अगर भाजपा को जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो आप किस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाओगे? देखिए, मेरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाए। बीजेपी जिस तरीके से पूरे जम्मू रीजन में आज सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, जो है वो सियासी जमात है, ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है, और वहीं कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत जनाधार है, एक ज़बरदस्त सपोर्ट बेस वादी कश्मीर के लोगों ने भी बीजेपी को दिया है, और मुझे यकीन है जम्मू से भी हम जीतेंगे, जम्मू रीजन से, और वादी कश्मीर से भी जीतेंगे। बीजेपी की हुकूमत बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यहां तक मेरा व्यक्तिगत फैसला है, मैं पिछले 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहा हूं। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे चुनाव, जहां से पार्टी कहेगी, जो पार्टी मुझे आज्ञा देगी, जो पार्टी का आदेश होगा वो मेरे सर आँखों पर होगा। पार्टी कहेगी जम्मू से लड़ो, जम्मू से लड़ेंगे।
पार्टी कहेगी कश्मीर से लड़ो तो कश्मीर से लड़ूंगा, पार्टी कहेगी आपने नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटेड सोल्जर हूँ। क्या रविंदर रैना बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे और क्या इसकी घोषणा असेंबली इलेक्शन से पहले होगी? देखिए, रविंदर रैना कभी कुछ बनने के लिए ये सोचकर काम नहीं करता है। रविंदर रैना एक फकीर की तरह जिंदगी जीने वाला शख्स है जिसका अपना कुछ नहीं है। रविंदर रैना का जो कुछ है देश के लिए है, पार्टी के लिए है। मैं काम करता हूं, मैं काम करने में विश्वास रखता हूं, कुछ बनने में विश्वास नहीं रखता, कुछ बनने का लालच नहीं रखता। हां, काम करता हूं, दिन रात काम करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं जो मेरे हाथ में है। बाकी कुछ चीजें भगवान के हाथ में होती हैं, कुछ मकद्दर की तकदीरें होती हैं, और जिसके भाग्य में जो होगा उसको मिलेगा। भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा ईमानदारी से, खिदमत सेवा भाव से काम करता हूं। कुछ बनने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा है। जेके न्यूज़ स्टूडियो में बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।